25 जुलाई 2022 आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए विद्युत मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के सहयोग से दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में एक बिजली महोत्सव का आयोजन किया। बिजली महोत्सव का आयोजन राज्य और केंद्र सरकार के बीच सहयोग और बिजली क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए एक मंच के रूप में किया गया। इस अवसर पर सांसद श्री मनोज तिवारी ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे और सभा को संबोधित किया। उन्होंने विद्युत क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जिला मजिस्ट्रेट गीतिका शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर शुभांकर घोष, ADM आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और सांसद मनोज तिवारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले हमारे देश में बिजली की उत्पादन क्षमता कम थी, जिसे 8 वर्षों में बढ़ाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों के सहयोग से 4,00,000 मेगावाट तक पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, दिल्ली। कदम लगाए और अब हमारी बिजली की कीमत जो खर्च था वो 50% घट गया है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, हम देश के लोगों का बिजली का बिल पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति जागरूकता के साथ रिन्यूएबल एनर्जी पर आगे बढ़ेंगे तो एक दिन वो दूर नहीं जब थोड़ा एक बार पैसा लगाइए और फिर पूरे लाइफ टाइम सोलर एनर्जी का सुख पाइए, बिल्कुल जीरो बिल आएगा। तो ऐसे कार्य के लिए हम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और जो गांव आज तक कभी बिजली से नहीं जुड़े थे उनको भी जोड़ लिया गया, घर घर बिजली, हर गांव बिजली। और अब जैसे अभी हम लोगों ने 22.5 घंटे बिजली का टारगेट पूरा किया है, बहुत जल्दी हम 24 आवर्स बिजली का भी टारगेट पूरा कर। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय पूरे भारतवर्ष में 25 से 30 जुलाई सप्ताह में हर ज़िले में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सरकार और UT एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपस का सामंजस्य है उसके तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की स्कीम्स हैं जो अलग अलग ज़िलों में जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है वो जानकारी हर एक नागरिक तक पहुँचे उसके लिए ये महोत्सव मनाया जा रहा है। तो हर ज़िले में इस सप्ताह में 2 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उसका लक्ष्य ये है कि समाज से लोगों को बुलाया जाए कार्यक्रम में और उनको लघु फिल्मों के द्वारा, नुक्कड़ नाटक के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर की स्कीम्स के बारे में बताया जाए। तो इसी श्रृंखला में आज पहला ऐसा कार्यक्रम उत्तर पूर्वी ज़िला दिल्ली में किया गया पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ मिलकर, और हमने यहाँ पर 5 लघु फिल्मों को दिखाया, 2 नुक्कड़ नाटक किए गए जिसमें बहुत सरल तरीके से जो उपलब्धियाँ हैं बिजली के क्षेत्र में वो हमने लोगों को बताई। हमारे यहाँ हमारी आंगनबाड़ी से बहनें आई थीं, आशा वर्कर्स थीं, जो लाभार्थी हैं जिन्होंने रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाए हैं उनको हमने यहाँ पर बुलाया। और बहुत गर्व की बात है कि हमारे इस ज़िले के कार्यक्रम में हमारे माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी आए हमें प्रेरित करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। लगभग 250 यहाँ पर लोग आज इकट्ठा थे। तो ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री पार्क सीलमपुर में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ और बहुत सरल भाषा में नागरिकों को मिनिस्ट्री ऑफ पावर की स्कीम्स और जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताया गया। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे,
सर्पंतोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्लीबख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।